सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल इन यूट्यूब। गाइज देखो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन नेवी AASR का एग्जाम का। मैंने फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू दिया था, अभी सेकंड शिफ्ट कुछ देर पे जब आएगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अब गाइज है क्या सीन यहाँ पे, बहुत बड़ी मतलब वो है एक देखो क्वेश्चन का लेके, जैसे कि अभी अपने पास कम से कम फर्स्ट शिफ्ट की ही बात कर लूँ सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब वैसे अलग अलग क्वेश्चंस की बात करूँ तो 150 क्वेश्चन हैं, बट यहाँ पे मैं इस वीडियो पे आपको 60 प्लस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बताऊँगा। 150 कैसे हैं, बिकॉज हर एक कैंडिडेट के अपने अलग अलग क्वेश्चन हैं और अलग अलग आंसर है। वो खुद लिख लिख भेज रहे हैं मुझे कि भाई ये थे, और मैंने कुछ कैंडिडेट से बात भी की तो उन्होंने बताया, तो कुछ के मैच करते हैं कुछ के मैच नहीं करते हैं। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है भाई, आप भी मेरी हेल्प कर सकते हो इस मैटर में, क्या है सीन, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी आपको 60 प्लस यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ फर्स्ट शिफ्ट के। सो जैसा भी क्वेश्चन वीडियो लगे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, आपके जो डाउट हो वो भी मुझसे आस्क करना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। सो गाइज वीडियो करते हैं अपना स्टार्ट। अब गाइज देखो आपके साथ में कुछ मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ। देखो पहले मैंने जो क्वेश्चन शेयर किए थे आपसे, कैंडिडेट से मैंने बात भी की, उसका भी मैंने रिव्यू पूरा शेयर किया कि किस तरह की एग्जाम मतलब किस तरह के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम पे, सारी की सारी चीज़ें बताई। चलो मैं पहले आपको कुछ डेमो दिखा देता हूँ, फिर आप मानोगे कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हो। और चलो मैं पहले आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस। यहाँ पे एक नहीं बहुत लोगों के बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारे क्वेश्चन, सारे के सारे विद सॉल्यूशन, मैथ इंग्लिश फिजिक्स हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, तो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, मे बी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक चीज़ हो सकती है कि अलग अलग क्वेश्चन आए हों। बताऊँ क्यों, क्योंकि SSR का आपने फॉर्म भरा था वो ही कैंडिडेट भर सकते हैं जिसके 60% से कम है, AA और SSR दोनों का वो भर सकते हैं जिनके 60% के ऊपर है। मे भी हो सकता है कि SSR वालों को अलग पेपर हो, AA वालों का अलग हो, मे भी मतलब हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इफ यू आर देन यू कैन ऑल्सो टेल मी। ओके ये मेरा एक मतलब सिंपल सा रीजन है लॉजिकल इन अ डिफरेंट क्वेश्चन, जो डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा ही जो शेयर किए जा रहे हैं, ये बदलाव मुझे इस बार लग रहा है। अब आप भाई क्लियर कर दो कि क्या है, मतलब ऐसा कुछ है, क्योंकि मैंने एक कैंडिडेट से बात की जो SSR का था, ठीक है 60% से, तो और एक AA वाले का तो मैंने शेयर ही किया, तो उसने AA SSR बोथ का दिया, तो उससे और उसके क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं कर रहे थे। बट कुछ का नहीं मानना होगा, सो आप भी क्लियर कर सकते हो एंड पॉइंट ऑफ व्यू अपने बताना। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, साउथ एशियन गेम वेन्यू कहाँ पे हुए, टर्की की करेंसी क्या थी, स्पेलिंग एरर आपका कम्प्रीहेंसिव आया। भाई यहाँ पे तो कम्प्रीहेंसिव पूछा, जबकि इससे पहले जो आया था मतलब मैंने बताया वो उसने बताया था उस कैंडिडेट ने एसेंटियल ESSS वो नेसेसरी होता है ना, एसेंटियल मतलब जरूरी, सो उसने वो बताया। 3 क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट मतलब एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट, 2 क्वेश्चन पैसिव, दिस इज नेसेसरी फॉर योर एग्जाम, और ये बिल्कुल कंपलसरी है कि आपके एग्जाम पे आएगा एंड आप इस पे नंबर भी आराम से पा जाओगे। उसके बाद 1 passage 4 क्वेश्चन इजी, बट मुझे नहीं लगता कि 4 क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज पैसेज के 5 क्वेश्चन आते हैं डबल के एग्जाम पे हमेशा, बिकॉज 25 नंबर का इंग्लिश आता है। फिजिक्स मोर कॉन्सेप्चुअल, हाँ फिजिक्स मोर कॉन्सेप्चुअल मतलब थ्योरी बेस्ड थी, और न्यूमेरिकल भी आपके 3-4 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पे आए, केमिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन, बायो के 3-4 क्वेश्चन एंड 3-4 न्यूमेरिकल, मीन्स 15 नंबर थ्योरी बेस्ड, बाकी 10 नंबर पे और सब्जेक्ट और न्यूमेरिकल आए। 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन, 1 क्वेश्चन मैट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आया, रेंज आया था उसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर आया, मैथ वाज ऑल इन ऑल इजी, फिजिक्स वाज बिट कॉम्प्लेक्स एज वेल, मतलब कि फिजिक्स थोड़ा सा ज़्यादा टफ थी, ऐसा बहुत लोगों का कहना। फिजिक्स को तो कोई नहीं टफ मतलब इजी कह रहा है, कमेंट सेक्शन में भी पढ़ लो, फिजिक्स को सभी टफ कहते हैं एंड जीके को भी कुछ लोग टफ ही कह रहे हैं कि जीके भी टफ आया था। पैसेज वॉज वेरी इजी, साइनोनिम एंटोनिम वेरी कॉम्प्लेक्स, ये तो नेवी में साइनोनिम एंटोनिम बहुत कम लोग होंगे जिनको आ पाएगा, नहीं तो नेवी पे हमेशा टफ ही आते हैं वो कैप्स, एक्टिव पैसिव। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन एक जीके से क्वेश्चन आया था, आपको मैंने बताया भी था कि एक जीके का क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट प्राइज आसाम को, मैंने बोला था अभी हाल ही पे जो झांकियाँ वगैरह निकाली उसमें से फर्स्ट प्राइज किससे मिला, तो आसाम को मिला था मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जो करंट का एक वीडियो देखा है, मैं भी तो पढ़ता हूँ ना तो उस बेस पे, बट यहाँ पे एक भाई बोल रहे हैं कि त्रिपुरा को, सो मे बी यू कैन चेक आउट आल्सो इन अ यूट्यूब और इन अ गूगल, देन अपना को अपने आप को श्योर कर लेंगे कि क्या सही है, आप सही हो कि वैसे ही हो। ओके नेहरू ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है, सो हॉकी से। अगला, हाँ ये देखो ये भाई ने कमेंट भी किया, काफ़ी कैंडिडेट ने कमेंट किया कि सर शायद डिफरेंट पेपर था, मुझे भी ऐसा आज लगा। ओके देन नेक्स्ट आपको बताता हूँ, लीरा वहाँ की मुद्रा बताई टर्की की, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री, आसाम काजीरंगा है जो मानस रे, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध, हॉकी
वो गेम जो रिलेटेड था, फ्रांस एपिल टावर कहाँ पे है, अरुंधति रॉय बुक्स जो से क्वेश्चन पूछी थी, प्रेसिडेंट जो वाल्मीकि रसिया के वो प्रेसिडेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे ग्रुप से मैंने अपने बुक पिक किया है, सो चलो यहाँ पे क्वेश्चन ये देखो, तुर्की की मुद्रा था, और नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देखो नेहरू ट्रॉफी संबंधित है, एसेंट्रिक का साइनोनिम यहाँ पे क्या है, एसेंट्रिक डिसिकेपेबल। उसके बाद वेन का साइनोनिम, ओमेन हेटर्स को क्या बोला जाता है, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, पीपीएच व सीएसएस का फुल फॉर्म पूछे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा था समझ में नहीं आ रहा है, हटाओ। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, इजी क्वेश्चन। 2019 एशियन गेम्स इंडोनेशिया जकार्ता वगैरह, बाद में बोली जाने वाली भाषाएं कितनी है, टोटल इतनी है। ओके देन अगला, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगला, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपका काजीरंगा होना चाहिए, काजीरंगा, बट कोई कह रहा है कि काजीरंगा कहाँ पे पड़ता है, शायद एक ही हो सकता है बट डिफरेंट वे से हो सकता है, बट क्वेश्चंस अब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। चलो मैं शेयर करता हूँ, एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी, इरर क्वेश्चन, ईच ऑफ मेंबर ऑफ, सो ईच ऑफ एवरी आर से इरर था। अगला, इंग्लिश कैसा लेवल है वो देख लेते हैं। अभी ये भी कैंडिडेट ने मेरे साथ में शेयर किया व्हाट्सएप पे, अब ये क्या है ये भी डिस्कस करो। पैसेज से 5 क्वेश्चन थे, फ्रेगिल का साइनोनिम था, इमिनेंट का साइनोनिम था ए, और उसके बाद दो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, आ लिटिल और द लिटिल का फिलर था, फिलर आते हैं ना ए फ्यू द फ्यू और इन लिटिल वगैरह, आ लिटिल द लिटिल उससे एक फिलर था, और सिल्डम और नेवर से एक इफ इवर का क्वेश्चन था यहाँ पे, नरेशन से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे थे, वाइस से पैसिव वाइस से 2 क्वेश्चन, पंचुएशन से 1 क्वेश्चन, इरर से 2 क्वेश्चन थे, कंडीशनल सेंटेंस से 1 क्वेश्चन था, और द पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ द टू, आई थिंक कंपेरेटिव डिग्री डिग्री वगैरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, ऑफ द टू लगा होता है तो फिर बेटर हो जाता है बिकॉज कंपेरेटिव डिग्री का ऑफ द टू कंपेरेटिव डिग्री के साथ में लगता है। अगला, वीना इज मैरिड, अगर लड़की का नाम पहले है तो मैरिड के साथ में आ जाएगा आपका, विथ पहले लड़की का नाम है उन्हें, अगर पहले लड़का का नाम है जैसे कि राम मैरिड टू सीता, ओके, बट अगर पहले लड़की का है तो फिर विथ, ओके, सी इज ए एन द गर्ल लगाना था यहाँ पे। और ये देखो मैथ का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन डी एक्स अपन साइन के पावर 4x। अगला यहाँ पे कुछ देखो क्वेश्चन, ये भी यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ फटाक से, ये आज के सारे क्वेश्चन है भाई। देखो बाद ने पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था सन 1974 में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है 8 मार्च को, उष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा, किन तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है रेडियो तरंगों का, वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को मीन GST, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है पोर्ट ब्लेयर, पृथ्वी का केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अब कहते तो भाई इतना ईजी फिजिक्स आया, भाई एक ही क्वेश्चन तो आया है बताया ना, बाकी तो पता ही नहीं, किसी को याद ही नहीं है ना, इतना मतलब टफ है। एक दो क्वेश्चन तो रख देते हैं कि आप सांत्वना लगे, एक दो सोच तो लो, यही दो नंबर से आप अगर गुजरात पे हो तो आप इन्हीं दोनों को स्कोर कर लो काम खत्म। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया 1976 पे, अब कोई बता रहा था मौलिक कर्तव्य कितने हैं ये पूछा था, तो 6 हैं। अगला, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। क्या विटामिन से 2 क्वेश्चन एग्जाम पे आ सकते हैं ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं लगता। अगला, नेवी डबल SSR सेकेंड फैब फर्स्ट शिफ्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, मां नदी पर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी, जैसे कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर तो मेघालय की शिलांग, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6। भौतिक शब्द का विलोम क्या होगा, तो भौतिक का विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश पे, हरिकोटा, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा पे। विश्व रक्तदान दिवस ब्लड डे का मनाया जाता है 14 जून। भारत के नए गृह मंत्री कौन बने, अमित शाह। लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रक, डायोप्टर, ये भी एक ईजी क्वेश्चन था। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, चार्ज होता है प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो अब केंद्रीय। लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में समाप्त हो जाता है, तो 7 चरणों में। USB का फुल फॉर्म, सो USB का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो आप सभी को पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। देन अगला यहाँ पे देख लेते हैं, अब देखो ये तो हो गए, अब गए जो क्वेश्चंस मैंने बनाए थे वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सो देखो इसेंट्रिक का साइनोनिम था, ईच ऑफ द नंबर ऑफ से क्वेश्चन था, इसेंटियल का स्पेलिंग इरर पूछा था, करेंसी ऑफ टर्की, टर्की की करेंसी क्या है,
चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, चीफ मिनिस्टर गोवा के प्रमोद सावंत है, लीला इस एन टी एल का सेम लिखा है, मानस वन्य जीव अभ्यारण तो असम पे है, प्लासी 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन था नेहरू ट्रॉफी हॉकी से, टेनिस के किस देश से शुरू हुआ तो फ्रांस से शुरू हुआ। मैथ लेवल हार्ड बोल रहे हैं बट ओवरऑल मैथ ईजी है, ये ऐसा बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का कहना था, यहाँ पे एक कैंडिडेट ने बोला सो मैंने वहाँ पे टाइप कर दिया था। अगला है वेयर द आईफिल टावर, आईफिल टावर कहाँ पे है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुक आई थी मतलब किसने लिखी तो अरुंधति राय ने, गवर्नर नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, कितने मौलिक अधिकार हैं तो 6। ओके 2024 ओलंपिक गेम कहाँ पे होंगे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, व्लादिमीर पुतिन। ओके देन ये कुछ क्वेश्चन थे और मुझे एक चीज़ और क्लियर करना है कि आप बताओ कि कैसा कैसा क्या सीन है भाई, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय, जय जय भारत एंड वंदे मातरम।